हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आपका भाई आपके लिए हाजिर है। तो पूरा ब्लॉग आज का इसके ऊपर है, क्योंकि हम लोगों को जाना है बहरिया टाउन कराची, वो हाईवे वाला, और उसके लिए आपको जल्दी निकलना होगा, क्योंकि हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस वुलिस ये वो। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला, भाई निकलते हैं पूरे 6 बजे सुबह। मैं ठीक है, हम सो के उठने वाले 12-1 बजे ट्राई कर लेंगे। लेकिन एक आइडिया जहन में आया, और वो ये कि हम सोते ही नहीं हैं, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं तकरीबन 4:45। क्योंकि अगर हम सो जाते हैं, जितने भी लड़के 5-6, तो उठ नहीं पाते भाई। तो मैंने उन अपने साथ उन सबको जगाए रखा। मैंने कहा आ जाओ भाई, कहीं बैठक लगाते हैं और सीन ऑन रखते हैं, ताकि नींद ना आए, क्योंकि सो गए तो फिर गए। तो आप लोगों को दिखाता हूँ वो लोग करके आने बैठ के। अभी यार गिरे को गिरे, सर हाथ ला दो। ठीक है, तो उन तीन लोगों को मैंने जगा के रखा है, तीन अपने अपने घर पे जाग रहे हैं। तो सुबह होने का वेट करते हैं और फिर निकलते हैं हाईवे। तो आप भी साथ चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब आप पूछोगे पूरी रात बैठ के हम कर क्या रहे हैं, जो आप समझ रहे हो वैसा भाई, हम मैच देख रहे हैं। ये रहा, ये किसका मैच है, किससे मैच है? जर्मनी और स्वीडन की हाईलाइट देख रहे, क्योंकि फुटबॉल से हमारा ला ताल्लुक ही, तो भाई ये देखते हैं, देख रहे हैं पूरी रात बैठ के। देखो कहानी में ट्विस्ट है, अब हमें नारियल से पानी निकालना है। सॉरी, ये रहा, निकालो। एक नारियल और 1, 2, 3, 4 बंदे। बहुत लो, बहुत नाइंसाफी है भाई। सर एक तो सुधा हो गया। यार वो मिसाल है ना कि अनाड़ी का, ये बर्बाद कर देगा नारियल। बोल लो, कौन कह रहा है कराची में पानी की कमी है? ये रोको पानी, ओए होए ओए होए उस्ताद, फाइनली पानी आ गया, पानी आ गया, पानी भरपूर सर आइए। सुबह हो गई है, अभी अपने घर जाना है, चेंज करने कपड़े और फिर निकलना है बहरे टाउन के लिए, क्योंकि सन्नाटा देख रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सच में सुबह हो गई, कोई झूठ नहीं है, लोग नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं फजर की। ये रहे पीछे, तो अपने घर जाना है, कपड़े निकालने हैं, कैमरा उठाना है, क्योंकि हमें वहाँ पे फोटो शूट के लिए जाना है। तो मिलते हैं भैरव टाउन के लिए। और क्या मैं आपने हम लोगों ने आपको ये बताया कि हम वहाँ जा क्यों रहे हैं? वहाँ जाने के दो वजह हैं, एक तो ये कि मैंने कभी भैरव टाउन देखा ही नहीं, और दूसरी ये कि वहाँ हमें फ़ोटो शूट करना है किसी क्लाइंट का, क्योंकि हमारा एक छोटा सा फोटोग्राफी का बिजनेस भी है, उसको भी चलाना है। फ्री प्रमोशन कर रहा हूँ अपने ब्लॉग में, तो हाँ उसमें करना है, तो वो जाना है उसको, वो उस काम के लिए भी जाना है। सुबह तो हो गई है, तो निकलते हैं, तैयार होते हैं। किसी अजीम इंसान ने कहा था कि कभी भी कोई भी काम करो, कहीं जाना हो, तो वहाँ टाइम से पहले पहुँचो, लेकिन उसका हमेशा नुकसान आपको उठाना पड़ता है। क्योंकि मैं तैयार हूँ पूरा, लेकिन मेरे दोस्त कोई सो रहा है, कोई उनको उठाना है, उनका वेट करना है और फिर जाना है। तो सुनसान सड़क, आप खबाई अकेला वेट कर रहे हैं। और मुझे अभी याद आया, मेरी एक दोस्त की दोस्त है, वो मेरी वीडियो देखती है, तो उसको मैं लगता हूँ तोतला। मैडम मैं तोतला नहीं हूँ, थोड़ा ठहर ठहर के सोच सोच के बोलता हूँ। हाँ उर्दू ख़राब है, कुछ अल्फाज मैं ख़राब बोलता हूँ, लेकिन तोतला नहीं हूँ यार, कसम से। तकरीबन सब लोग आ गए, लेकिन जिसकी गाड़ी में जाना है, कार में जाना है, वो ही नहीं आया, सारे पीछे मस्ती कर रहे हैं।
लेकिन जिसकी गाड़ी में जाना है उसका वेट कर रहे हैं। भाई जिसका वेट कर रहे हैं तो वो देखो वो आ गया। जब सब आ जाए एक ग्रुप सेल्फी। सारे पीछे आओ बस। तो सोने पे सुहागा हमारी गाड़ी का टायर भी पंचर है। वो किसी महान इंसान का डायलॉग था कि अगर कहीं आप लेट हो रहे हो तो आप मजीद लेट हो गए तो टायर चेंज करना है। और लेकिन आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जब तक कोई अच्छे काम में कोई मुश्किल ना है तो वो काम हो जाए। वाह अजीम इंसान अजीम बातें। These words immerse my nerves, I slur, reverse, then work, reverse. Now I talk with intent, I talk to defend, I talk to the world, and I meant what I said. I talk and I blend, a speech from a friend. It's not about the life, it's what you do before it ends. I've been running long enough, think it's time now for me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time to take it on. I'm okay, yeah. There's no pain, yeah, there's no pain. Yeah, I'm okay, I'm okay. Yeah. I've been running long enough, think it's time now for me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time you take it on. I've been running long enough, think it's time now for me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time you take it on. तो सीन ये है, हम आ गए हैं बहरिया टाउन के अंदर, लेकिन यहाँ आज ऑफ है। क्या है, सब बंद है, काटने वाली बंद है, सुनसान सन्नाटा, धूप भी कम हो रही है, लेकिन पीछे जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है वो पूरा बहरिया टाउन है। और ये बन रही है पीछे एक पतंग की। अभी मैंने फ़ोन किया मलिक रियाज को, मैं कहा सर यहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात। तो कह रहे हैं भाई आपको भेजा सिर्फ इसलिए है अपने मर्ज़ी के फ्लैट या घर अपार्टमेंट चूज़ करो और रह लो। तो ये पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये उसने पूरा बोला ये तुम्हारे नाम। और ये सारे बिल्डिंग पीछे जितने भी हैं ये इन सब के नाम कर दिए मैंने, एक उसके नाम, एक उसके नाम, एक उसके नाम। तो बिल्डिंगें बांट दी हैं, अब सिर्फ जब ये लोग आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे तो हम भी आएंगे, यहाँ रह लेंगे। फिर अचानक मेरी आँख खुल गई और मुझे बिल्डिंग देख के ये लग रहा है कि हम कराची के गुरुस्तान जौहर में आ गए। सेम बिल्डिंग, मतलब गरीबों का बहरिया टाउन ये है, वो अपार्टमेंट उस तरफ लग्जरी और ये जौहर है। लेकिन पूरी रात जाग के इधर आने का फैसला मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है यार। इतना भी कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ नाम का भरम है बहरिया टाउन। जब बन जाएगा पूरा तो समझ में आएगा यार, अभी तो टाइम ही है। और फाइनली हम बहरिया टाउन के उस हिस्से में हैं जहाँ पर हर फोटोशूट करने वाला, हर शूट करने वाला यहाँ पहुँच जाता है। बड़े मुश्किलों से यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ ना फोन का कैमरा अलाव है ना पे DSLR अलाव है। और तो और अगर वो आपको यहाँ पे पिक्चर खींचता हुआ देख भी लेना तो सर प्लीज़ डिलीट दिस पिक्चर। और उसके साथ साथ आपने जितनी पीछे पिक्चर ली हो सब डिलीट। अभी तो थोड़ा सिक्योरिटी वाला, जब आगे पीछे हो तो आपके भाई फौरन कैमरा निकाला और शुरू व्लॉगिंग करना। इसके साथ ही ये व्लॉग भी यहीं एंड करते हैं क्योंकि इसके अलावा तो और कहीं जाने देगा नहीं वो। तो जो जो हो सका, जहाँ जहाँ हो सका वहाँ वहाँ हमने जाकर वीडियो बनाई, व्लॉग बनाया और आपको दिखाया। और मैंने भी पहली बार देखा तो सही था, एवरेज था। सिर्फ यही जगह मुझे अच्छी लगी है क्योंकि यहाँ का व्यू अच्छा पिक्चर लेने का। ये देखो पीछे देखो बैक पे आला। तो वह बस ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और हाँ, फोटोग्राफी जो कर रहे हैं, हमारा छोटा सा एक पेज है उसको लाइक करो, IQ फोटोग्राफी फेसबुक पे नाम है, सर्च करो और उसको लाइक करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
These words, the verse, it hurts. I work, rehearse, I purge the curse. These words immerse my nerves. I slur, reverse, then work, reverse. Now I talk with intent.